हाल है दोस्तों, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेरे चैनल पर फिर से आने के लिए। तो आज दोस्तों मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ये वेडिंग गेस्ट लुक है जो कि मैं आपके साथ आज शेयर कर रही हूँ, और ये बहुत ही अच्छे से टर्न आउट हुआ है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, और इस लुक को आप अपनी ब्राइडल क्लाइंट को भी दे सकते हैं, आई मीन द एंटायर लुक, या फिर यू कैन फॉलो माई आई लुक। तो या अगर आप देखना चाहते हैं दोस्तों कि किस तरह से मैंने ये लुक अचीव किया है, तो आप आज की पूरी वीडियो देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। प्लस आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर आप मेरे चैनल में नए हैं, व्लॉग चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कीजिएगा। तो नाउ लेट्स गेट स्टार्ट विद द ट्यूटोरियल। तो अगर आपकी ड्राई स्किन है तो ये प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा है दोस्तों। मैं यूज़ कर रही हूँ एम्ब्रोलिस मॉइस्चराइजिंग क्रीम है ये, और ये बहुत अच्छे से यू नो मेकअप बेस का काम करता है, मॉइस्चराइजिंग मास्क का भी काम करता है। तो आप इसको ज़रूर ज़रूर अप्लाई कीजिए, ठीक है। मैं नहीं कहूँगी कि आप इसको डेली अप्लाई कीजिए, बट यस आप इसे बिफोर मेकअप अप्लाई कर सकते हैं। ये बहुत अच्छे से आपकी स्किन को मॉइस्चराइज कर देगा, हाइड्रेट कर देगा, ग्लोई इफेक्ट देगा। बट जब मैं ये पहले यूज़ करती थी ना, तो मेरे ना इस क्रीम को अप्लाई करने के बाद थोड़े थोड़े से ब्रेकआउट्स होने लग गए थे और पिंपल वगैरह आ गए थे। तो इसीलिए मुझे ऐसा लगा कि दिस प्रोडक्ट डजंट सूट्स मी, बट आई डोंट नो व्हाई, मे बी बिकॉज ऑफ द वेदर चेंज ये प्रॉब्लम फेस किया मैंने। बट आप इसको यू नो अप्लाई कर सकते हैं बिफोर फेस में, बिफोर फेस कह रही हूँ, बिफोर मेकअप आप, बट इसे रेगुलर में यूज़ मत कीजिएगा। तो फॉर द फाउंडेशन आज मैं यूज़ कर रही हूँ ये न्यू लॉन्च्ड है Forever 52 का है ये प्रो आर्टिस्ट अल्ट्रा डेफिनेशन लिक्विड फाउंडेशन, एंड आई एम यूजिंग द शेड बफ 001 चीज़ केक में। और इसके साथ मैं मिक्स कर रही हूँ ये बेका का है अल्टीमेट कवरेज 24 आवर फाउंडेशन, जो कि मेरा फेवरेट फाउंडेशन है। ये अब नायका में अवेलेबल नहीं है दोस्तों, आप इसे सफोरा स्टोर में जाके परचेज कर लीजिएगा अगर आपको चाहिए। और ये मैं शेड यूज़ कर रही हूँ द शेड इज़न्ट देयर, उफ़ ये बॉटल में ना डेजर्ट, यस हल्का सा ना क्या हो गया, बॉटल से निकल गया शेड का नाम। और दोनों ही मुझे बहुत अच्छे लगे फाउंडेशन। आप कवरेज देखना दोस्तों इसका, मैं कहूँगी कि मीडियम टू फुल कवरेज है। एंड द फॉरएवर 52 का जो फाउंडेशन है, दिस इज़ लाइक द प्रोफेशनल लेवल। आप इसको जैसे ही अप्लाई करोगे, एक तो ये थोड़ा सा थिक है इन कंसिस्टेंसी, प्लस ये यू नो आपको ड्यूई इफेक्ट भी देगा आपके फेस पे। इट्स नॉट गोइंग टू बी लाइक टोटली मैट लुक, बट येस इसका कवरेज बहुत अच्छा है, मतलब इट विल कवर ईच एंड एवरी थिंग ऑन योर स्किन। बेका का तो है ही मस्त, इसीलिए मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। वैसे आप जस्ट इंडिविजुअल फाउंडेशन भी अप्लाई कर सकते हैं यू नो फॉरएवर 52 का, बट मुझे थोड़ा सा ये शेड लाइट लगा कंपेयरिंग टू माई नेक, तो इसीलिए मैं बेका का फाउंडेशन थोड़ा सा मिक्स कर रही हूँ, बिकॉज ये जो डेजर्ट शेड है हल्का सा येलोइश में है, ज़्यादा वार्म टोन में है। एंड या आप देख सकते हैं यहाँ पे द रिजल्ट ऑफ द फाउंडेशन, इट्स जस्ट अप टू द मार्क दोस्तों। फॉर दी कंसीलर मैं यूज़ कर रही हूँ ये C2P है, कंसीलर में लाना भूल गई यहाँ पे घर से, मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ अभी सुबह सुबह, अभी 1 बजे ही मैं लाइव कर दूँगी ये वीडियो दोस्तों, तो अभी 11 बज रहे हैं, तो 11 बजे मैं आपके लिए वॉइस ओवर कर रही हूँ, इसलिए आपको कबाड़ी वाला भी सुनाई दे रहा होगा बाहर, ठीक है। सो ये कंसीलर बहुत अच्छा है, मैं इसका शेड मेंशन कर दूँगी, ठीक है। जब मैं स्टूडियो जाऊँगी वहाँ पे मुझे चेकआउट करना पड़ेगा शेड नंबर, बट अभी मेरे पास है नहीं, तो 2-3 दिन आप वेट कीजिए अगर आपको कंसीलर शेड चाहिए तो। बट ये बहुत अच्छा कंसीलर है, हाईलाइट इफेक्ट देने के लिए बहुत अच्छा है। ये कंसीलर थोड़ा सा थिक है, बट ऐसा कुछ नहीं है कि आपको फटाफट इसको ब्लेंड करना पड़ेगा, बट यू कैन ब्लेंड इट लाइक आराम से, प्यार से ब्लेंड कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। ये ब्यूटी ब्लेंडर आप जो देख रहे हैं, मैं आईज़ के लिए यूज़ कर रही हूँ,
ये मैंने अमेजोन से लिया है एंड ये पूरे बॉक्स में आया. बट जो फेस ब्लेंडर है वो मुझे इतना खास नहीं लगा, बट आईज़ के लिए जो ब्लेंडर है मुझे बहुत अच्छा लगा. बहुत ही सॉफ्ट है और बहुत अच्छे से यू नो प्रोडक्ट को ये ब्लेंड कर रहा है. सो दिस इज़ टू गुड. ठीक है, सो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने अपने प्रॉब्लम एरियाज पे इसको अप्लाई किया है और जहाँ जहाँ मुझे हाईलाइट इफेक्ट चाहिए मैंने वहाँ पे इसे अप्लाई किया है. अभी कुछ दिनों से मेरी आंखें आप देखोगे तो हल्की सी स्वेल लगेगी आपको और बहुत टायर्ड सी आंखें लग रही होंगी. तो या हाईलाइटर इज मस्ट. मतलब ऐसी सिचुएशन अगर आती है आपके साथ, होती है कि आपकी आंखें बहुत सूजी हुई है या बहुत ही ज़्यादा टायर्ड है, तो कंसीलर वर्क्स द बेस्ट दोस्तों. वो आपके यू नो आंखों को बिल्कुल फ्रेशन अप एंड बिल्कुल ओपन कर देगा. सो यहाँ पे मैं कंसीलर को सेट करने के लिए यूज़ कर रही हूँ मेकअप रेवोल्यूशन का ये लग्जरी बेकिंग पाउडर है विच इज़ इन द शेड बनाना में. और ये मीडियम व्हीटिश डस्की स्किन टोन सब यूज़ कर सकते हैं इस पाउडर को. फेयर स्किन टोन भी इसे यूज़ कर सकते हैं, बट आप इसको बहुत ही लेस क्वांटिटी में अप्लाई कीजिए. ठीक है, वैसे ये इतना ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल में येलोइश में नहीं है, बट येस ये बनाना पाउडर्स मोस्टली यू नो व्हीटिश स्किन टोन के लिए ही होते हैं, डस्ट की स्किन टोन के लिए होते हैं. फेयर स्किन टोन के लिए यू कैन टेक एनी ट्रांसलूसेंट पाउडर, बट आप ट्रांसलूसेंट और इसको भी मिक्स करके अप्लाई कर सकते हो. ठीक है, आप यहाँ पे देख लो, ये उतना ज़्यादा हद तक आपको येलो नहीं लगेगा. जैसे मेरे पास एक है पॉन्ड्स का लूज पाउडर, सेम सिमिलर है दोनों. ठीक है, सो फॉर दी आई मेकअप, वाओ आई मेकअप जो है आज का वो इतना अच्छा टर्न आउट हुआ ना दोस्तों, आई वॉज क्वाइट हैप्पी विद द लुक. सो सबसे पहले तो मैंने ये लिया है यूरोप गर्ल पैरिस आई शेडो पैलेट. ठीक है, सो इफ यू वॉन्ट समथिंग लाइक प्रोफेशनल आई शेडो पैलेट तो आप ये ग्रैब कर लो, बहुत अच्छा है. इसमें से मैंने लिया है न्यूड शेड और यहाँ पे मैं अप्लाई कर रही हूँ मेरे पूरे ऑल ओवर माय ट्रांजिशन, मतलब ब्राउ बोन को भी मैं फिल कर रही हूँ इसी शेड से. एंड ये मैं ब्लेंडिंग ब्रश यूज़ कर रही हूँ रेनी के ब्रशेज आर टू गुड. मतलब उनके जो ब्रशेज ब्रिसल्स है दोस्तों, दे आर सो सॉफ्ट और बहुत अच्छे से यू नो आपके आई शेडोज को ब्लेंड करेगा. नॉट जस्ट ओनली आई शेडोज बट ये आपके फेस बेस के लिए भी बहुत अच्छे हैं. देन यहाँ पे मैंने सेकेंड शेड लिया है, ये ब्राउन शेड है और ब्राउन शेड की हेल्प से मैं यहाँ पे आप देख सकते हैं फेक कट क्रीज ड्रॉ कर रही हूँ. मतलब यू की शेप में आपको इस तरह से इसे अप्लाई करना है. और ये मैं यूज कर रही हूँ पॉइंटेड टेपर्ड ब्रश है और ये मैं BS स्मॉल का यूज़ कर रही हूँ ब्रश. ठीक है, वैसे ऐसा नहीं है कि मैं एक ही ब्रांड के ब्रशेज यूज़ करती हूँ, बट यस समटाइम्स आई डू लाइक मिक्स एंड मैच दूसरे ब्रांड का. कुछ कुछ होता है ना कि मेरे को ज़्यादा अच्छे लग जाते हैं कोई ब्रशेस, तो वो मैं फिर यूज़ करने लग जाती हूँ अपने वीडियोस पे कंटिन्यूसली. सो येस देर आर सम ब्रशेस फ्रॉम सम ब्रांड्स जो मैं कंटिन्यूसली यूज़ करती हूँ. एंड देन यहाँ पे मैंने लिया है ये ब्लू शेड विच इज़ अगेन इट्स अ वेरी डार्क ब्लूइश शेड और इसको मैं अपने आउटर वी पे अप्लाई कर रही हूँ. आउटर वी पे अप्लाई करके आपको अच्छे से इसको स्मज आउट करना है. ओके, सो इफ यू आर वेयरिंग एनी रेड लहंगा या एनी ब्लू ड्रेस और एनी ब्लैक ड्रेस या फिर मतलब कोई लाइट पेस्टल कलर भी पहन रहे हैं, स्टिल दिस आई लुक विल स्टैंड आउट दोस्तों. ठीक है, तो आप ये कॉम्बिनेशन भी फॉलो कर सकते हैं लाइक ब्लूइश का. तो ये ब्लूइश भी आप देख सकते हैं लाइक वैसा ब्लू नहीं है कि लाइक इट्स गोइंग टू बी लाइक वे टू झटैक. वो आपके क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना अप्लाई कर रहे हो, कैसे अप्लाई कर रहे हो. ठीक है, आपको बस थोड़ा थोड़ा सा अप्लाई करना है. यू जस्ट हैव टू गिव वेरी सॉफ्ट इफेक्ट ऑन योर आईज. तो वही मैं यहाँ पे दे रही हूँ, सॉफ्ट इफेक्ट दे रही हूँ, स्मज अच्छे से कर रही हूँ. ब्लेंड आउट आपको अच्छे से करना है अपने आई मेकअप को, क्योंकि जितनी ब्लेंडिंग रहेगी उतना ही आपका आई लुक अच्छा दिखेगा. ठीक है, सो यहाँ पे मैंने ये गोल्डन शिमर शेड लिया है और इसको मैं अप्लाई कर रही हूँ मेरे रेस्ट ऑफ माय 3/4 ऑफ द लिड पे. ओके, सो जहाँ पे आउटर वी पे आपको बिल्कुल इस शेड को टच नहीं करना है, आपको जस्ट खाली एरिया पे इसको अप्लाई करना है बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी अ बेस और इसके बाद मैं यहाँ पे अप्लाई करूँगी ग्लिटर. ये मैंने लिए हैं दो ग्लिटर्स, एक तो है किंगडम ऑफ लैशेस के और एक मैंने अमेजोन से लिया है.
तो दोनों ही लाइक शैम्पेन गोल्ड है एक, और एक लाइक रोज गोल्ड काइंड ऑफ है, कॉपरिश रोज गोल्ड सॉर्ट ऑफ. तो इन दोनों को मिक्स करके मैं अप्लाई करूँगी. और मैंने PAC का प्राइमर ग्लू अप्लाई किया है मेरे 3/4 लिट पे. हल्का हल्का आप फिंगर में लो, फिंगर की हेल्प से आप यू नो डैब 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 कर सकते हो. एंड देन आप कोई भी मोटा सा फ्लफी ब्रश की हेल्प से अप्लाई कर सकते हैं आपके ग्लिटर्स. नाउ ये ग्लिटर का कॉम्बिनेशन मुझे सच में बहुत अच्छा लगा. यू कैन प्ले विद दी यू नो ग्लिटर्स ऑल्सो गाइज, लाइक हम आयशा जो उसके साथ भी खेलते हैं ना कि मिक्स एंड मैच करते रहते हैं कुछ ना कुछ, तो आप ग्लिटर्स के साथ भी कर सकते हो. लाइक आई सेड अबाउट द लूज पाउडर कि आप यू नो ट्रांसलूसेंट एंड येलो लूज पाउडर को दोनों को मिक्स करके भी आप अप्लाई कर सकते हो, दे सकते हो अपने क्लाइंट. ओके सो मैं लैशेस करके आ गई हूँ ऑफ कैमरा. ये मैंने लैशेबल के लिए है, बारबी में है दोस्तों. और यहाँ पे अब मैं यूज़ कर रही हूँ ये PAC का मैंने लिया है आईब्रो फिलर. इट्स द फिलर पोमेड फिलर या फिलर एंड पोमेड बोथ ऑफ देम आर सेम, कुछ भी कह सकते हैं ना. और ये ब्रश मैं BS मॉल का यूज़ कर रही हूँ. सबसे पहले तो मैंने स्पूली की हेल्प से ब्रश आउट किया है मेरे आईब्रोज को, क्योंकि टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं कभी कभार, पता ही नहीं चलता इधर उधर गिर रहे होते हैं आईब्रोज के बाल, ठीक है. और ये पोमेड में मेरे को सबसे बड़ी दिक्कत क्या लगती है ना कि अगर आप फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हैं इस पोमेड को, तो आपको थोड़ी सी मेहनत करनी होगी, थोड़ी पेशेंस लेकर आना होगा, क्योंकि इसको बहुत संभल संभल कर अप्लाई किया जाता है आईब्रोज पे. इधर उधर हो गया तो इट विल बी सो मैसी. लाइक हम आई शैडोज के साथ तो इट्स लाइक ईजियर बिकॉज वो पाउडर फॉर्म में होता है, ये क्रीम फॉर्म में है, तो इसलिए ये थोड़ी सी दिक्कत करेगी आपको इफ़ यू नॉट यूज टू. बट इफ़ यू आर यूज टू फिर तो यार कम्प्लीटली आप अच्छे से फिल कर सकते हैं. कुछ नहीं करना है इसमें, आपको आईब्रोज के शेप में पहले अंडरलाइन करना है, ठीक है. अंडरलाइन करने के बाद आपको थोड़ा सा प्रोडक्ट लेना है एंड देन फिल इट अप. नाउ व्हाट आई डिड, मैं क्या करती हूँ हाथ के पीछे थोड़ा सा प्रोडक्ट लूंगी एंड देन उसकी हेल्प से मैं फिल करती हूँ एंड अंडरलाइन करती हूँ. ओके मतलब ज़्यादा मैं डिप नहीं करूँगी उस जार के अंदर, क्योंकि उससे क्या होगा कि प्रोडक्ट ज़्यादा आएगा. एंड येस लिटिल गोज अ लॉन्ग वे. सो येस आप थोड़ा सा लीजिए और उतना ही काफ़ी है आपके ब्राउज के लिए. ओके देन गाइज फॉर दी लोअर लैश लाइन आप क्या कर सकते हैं, आप चाहे तो आप खाली छोड़ सकते हैं, बट अगर आप थोड़ा सा स्मोकी एंड थोड़ा सा आप चाहते हैं ड्रामेटिक लुक, तो आप जो ब्लू शेड है उसको आप 3/4 ऑफ योर लैश लाइन पे अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ कर रही हूँ आप देखिए. और ये BS मॉल का ही मैं टेपर ब्रश यूज कर रही हूँ, ठीक है. और जो बाकी इनर वी एरिया पे जो है स्पेस लेफ्ट, वहाँ पे मैं गोल्डन शिमर शेड अप्लाई कर रही हूँ. ओके मतलब मैंने अंदर तक ब्लू शेड अप्लाई नहीं किया है. अगर आपकी छोटी आईज है तो आप इस तरह के डार्क शेड्स बिल्कुल अंदर तक मत अप्लाई कीजिए अपने इनर कॉर्नर्स तक. सो फॉर दी कॉन्टोरिंग मैं यूज कर रही हूँ ये पर्पल की है कोवर्ट ऑपरेशन गार्डन कंसीलर पैलेट फील्ड एजेंट 4 में, और इसमें से मैंने लिया है क्रीम कॉन्टोर शेड. वैसे तो सारे ही इसमें क्रीम कॉन्टोर्स ही हैं, और एक कलर करेक्टर है, दो कलर करेक्टर है, येलो एंड दी ऑरेंज वन. बाकी सारे यू कैन यूज फॉर योर कॉन्टोरिंग. लाइक मीडियम शेड्स है, वैसे मीडियम टू डार्क शेड्स हैं. सो मैं थोड़ा सा डार्क ही लेती हूँ सो दैट वो अच्छे से मेरे फेस को एक्सेंचुएट कर दे. एंड आई जस्ट लव टू डू क्रीम कॉन्टोरिंग. आई डोंट नो व्हाई बट मुझे ऐसा लगता है कि ब्रॉन्जिंग इज लाइक फॉर अ सटल वे एंड क्रीम कॉन्टोरिंग इज लाइक इफ यू वॉन्ट दैट यू नो प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट वाला लुक चाहिए आपको, जैसे वो देते हैं अपने क्लाइंट पे, लाइक बिल्कुल स्नैच्ड हो चीक्स एंड लाइक बहुत ही ज़्यादा शार्प इफेक्ट है, तो क्रीम कॉन्टोर्स बहुत अच्छे होते हैं उस तरह के लिए.
ओके सो देन फॉर द ब्लश मैं यूज कर रही हूँ मेकअप रेवोल्यूशन का ये है ब्लश पैलेट और इसमें से मैंने लिया है थर्ड शेड फ्रॉम द टॉप रो एंड इसको यहाँ पे मैं अप्लाई कर रही हूँ आप देख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द ये पता नहीं कौन से ब्रांड का ब्रश है बट अमेजोन से ही लिया है मैंने सो ये लाइक प्रॉपर फ्लफी ब्लश ब्रश नहीं है इट्स लाइक फाउंडेशन ब्रश मुझे पता नहीं इस तरह के राउंड फाउंडेशन ब्रश से ब्लश अप्लाई करना सबसे ज़्यादा ईजी लगता है क्योंकि इसमें प्रोडक्ट भी इतना नहीं आता है और बहुत ईजिली आपके ब्लश एरिया पे ही अप्लाई होगा कॉन्टोरिंग के बिल्कुल नीचे नहीं जाएगा ज़्यादा आपके ब्लश को ये फैलाएगा नहीं और बिल्कुल मैसी भी नहीं लगेगा ठीक है यहाँ पे सेंटर ऑफ माई नोज पे भी अप्लाई कर रही हूँ मैं एंड चिन पे भी अप्लाई करूँगी फॉर दी हाईलाइटर मैं यूज कर रही हूँ ये ग्लिसनिंग हाईलाइटर पैलेट है यू कैन बी का और इसमें से मैंने लिया है सेकेंड रो में लास्ट शेड विच इज थोड़ा सा आपको व्हाइट पे लगेगा ये एंड लाइक अ सिल्वर बट ये बहुत ही प्यारा व्हाइट शेड है दोस्तों इट विल नॉट मेक योर यू नो मेकअप ग्रे और बहुत अच्छा लुक देगा ये बिल्कुल ग्लोई इफेक्ट देगा फॉर लाइक यू नो ब्राइडल पर्पज आप ये दे सकते हैं मतलब मिक्स कर सकते हो आप इसमें बहुत सारे हाइलाइटर शेड्स हैं सो यू कैन मिक्स विद दी यू नो गोल्डन शेड यू कैन मिक्स विद शैम्पेन मैं वैसे यूजुअली अगर मैं कहीं जा रही होंगी तो आई लाइक टू अप्लाई बॉबी ब्राउन का ही या फिर जो एक मैंने आपको दिखाया था अभी दो तीन पहले की वीडियो में इससे पहले की वीडियो में आप देखिएगा मेकअप वीडियोज़ में जो मैं मेकअप रेवोल्यूशन का जो बड़ा सा राउंड वाला हाईलाइटर पैलेट है वो यूज़ करती हूँ फॉर द नाइट फंक्शन आप थोड़ा सा ऐसा दीजिए जो कि थोड़ा सा यू नो फेस को शार्प इफेक्ट दे ग्लो इफेक्ट भी मतलब बिल्कुल शार्प हो मतलब सब कुछ ही शार्प लगे मतलब नाइट में हमें थोड़ा उस तरह का मेकअप करना पड़ता है डे टाइम में इट्स लाइक इट्स गोइंग टू बी वेरी सॉफ्ट सटल सो फॉर द लिपस्टिक मैं यूज कर रही हूँ ओ माय गॉड दिस इज माय फेवरेट वन शुगर की है ये लिक्विड लिपस्टिक इन द शेड तलीथा 12 गाइस 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 ये बहुत ही प्यारा शेड है यू विल फॉल इन लव विद दिस शेड इसको अगर आप ब्रश की हेल्प से अप्लाई करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा या फिर आप फिंगर की हेल्प से भी करोगे अभी फिंगर की हेल्प से इतना अच्छे से अप्लाई नहीं होगा बट ब्रश की हेल्प से आप अच्छे से अप्लाई कर सकते हैं एंड इस लिपस्टिक को अप्लाई करने से पहले आप अपने लिप्स को अच्छे से मॉइस्चराइज कर लीजिए स्क्रबिंग कर लीजिए यू नो हल्का सा बाम भी अप्लाई कर लीजिए बिकॉज ये मैट में है इट्स गोइंग टू बी लाइक सुपर मैट बट ये बिल्कुल भी ड्राई आउट नहीं होगी ये लिपस्टिक अभी मैं बीच में मॉल गई थी फूड कोर्ट में खाना खाने मसाला डोसा खाने तो मैंने यही शेड अप्लाई किया था एंड गाइस ट्रस्ट मी ये लिपस्टिक बिल्कुल भी ड्राई आउट पैची नहीं हुई बिल्कुल ऐसे ग्रेन्स टाइप नहीं निकल रहे थे इसमें से बट जस्ट ऑब्वियसली मसाला डोसा थोड़ा सा ऑयली होता है तो वो ऑयलीनेस उस पर चिपक गया था तो वो थोड़ा थोड़ा सा अंदर की तरफ से निकल रही थी ये लिपस्टिक बट मैंने क्या किया फिर मैंने टचअप कर लिया थोड़ा सा अप्लाई कर लिया बट दिस इज़ टू गुड मतलब द फॉर्मूला इज जस्ट अमेजिंग ग्रैब इट गाइस एंड इट्स अ ब्यूटीफुल रानी पिंक कलर एंड हेयर इज द कम्प्लीट एंटायर लुक गाइज कैसी लग रही हूँ मैं और ये जो मैंने मांग टीका पहना है इट्स नॉट अ मांग टीका ठीक है छूट नहीं बोलती मैं आप सबके साथ ये इयर रिंग है इसको मैंने मांग टीका बना दिया और ये मैंने लाजपत नगर से खरीदा है सेंट्रल मार्केट से 100 रुपये में दो इयर रिंग है तो एक मैंने मांग टीका बना के आपके साथ इस लुक में शेयर कर दिया है सो या आई होप दोस्तों आपको आज का ये लुक पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को हिट द नोटिफिकेशन बेल और हाँ ढेर सारा प्यार भी दीजिए चलो बाय